इसको अपन ओपन करते हैं, ये है अपना बॉक्स। यो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनकेएन ब्लॉग्स में। सो आज हम करने जा रहे हैं मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग माइक की अनबॉक्सिंग, जो कि है ये बोया का BY-MM1 माइक। तो मैंने अपना ब्लॉगिंग माइक फर्स्ट मंगा लिया है, तो अगर आप भी यूट्यूबर है और बिगनर है, अगर आपको ब्लॉगिंग माइक चाहिए बजट में, तो ये माइक मेरे बिल्कुल बजट में था, तो ये वाला माइक मैंने मंगाया। तो अगर आपको माइक ढूंढ रहे हैं आप ब्लॉगिंग के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कौन सा माइक लेना चाहिए और ये माइक लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ठीक है ना? तो फटाफट से चलो यार वीडियो शुरू करते। और अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से नीचे आके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। BY-MM1 माइक माइक्रोफोन, यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन दे रखी है। और ये बॉक्स कुछ तो इतना खास नहीं है। चलो यार अब फटाफट से अपन इसको ओपन करते हैं। ये अपना बॉक्स, ये अपना शॉर्टकट तरीके से बॉक्स हो चुका है। अपन इस बॉक्स में अपने को कुछ यूज़र मैनुअल्स दे रखे हैं, ये दे रखी है, तो जो कि हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं। और ये दे रखा है बोया BY-MM1 का यूज़र मैनुअल, ये भी हम नहीं पढ़ने वाले। तो अपन चलते हैं सीधा अपने बॉक्स की तरफ। तो ये है अपना, देखिए फुल बॉक्स। सबसे पहले अपन निकालते हैं बॉक्स में, ये देखिए सबसे पहले दे रखी है ये विंडशील्ड और ये रहा अपना माइक। ये देख सकते हैं ये है अपना टोटली माइक। तो मेरे को इसकी सही बात ये लगी कि इसमें सिर्फ सामने की तरफ से वॉइस रिकॉर्ड होती है, क्योंकि जो दूसरे माइक होते हैं ना अपने फ़ोन के, वो 360 डिग्री सारी तरफ वॉइस कैच करते हैं, सॉरी हाँ, तो ये सिर्फ सामने की तरफ से करता है। ये हो गया अपना माइक, इसको रखते हैं अपन साइड में। और ये देख सकते हैं आप, ये है अपनी विंडशील्ड। इससे क्या, अगर आप इसको अपने माइक पर ऐसे आगे लगा दोगे ना, ये ऐसे लग गया, ये इसको विंडशील्ड बोलते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बैकग्राउंड जो हवा आती है ना, सीधी माइक में हवा आती है, वो इससे रुक जाएगी। बहुत सही चीज़ मेरे को इसकी यही लगी। इस पर भी देखो बोया का टैग लगा हुआ है, ये देखो। ये दूसरी चीज़ होगी, इसको अपन रखते हैं साइड में, इन दोनों को बॉक्स को हटाते हैं अपन साइड में। अब दूसरी तीसरी चीज़ ये है अपना, देखो केस पाउच दे रखा है, इसमें अपन डाल के लेके जा सकते हैं। ये बोया का है, ये भी साइड में। अब इसमें अपन को दो केबल दे रखी है, देखो ये दो केबल है। ये जो केबल है ना, ये अपने काम की नहीं है। अगर अपन DSLR आपके पास हो और DSLR में माइक कनेक्ट करना हो, तो ये DSLR की होती है। ये अपनी केबल, ये वाली जो है कि देखो, ये जो है ये अपनी चली जाएगी ऐसे माइक में, ये गई माइक में। और ये वाली जो केबल है ना, ये चली जाएगी अपनी कैमरा में, ठीक है। ये अपने काम की नहीं है, तो इसको भी अपन साइड में रखते हैं। और ये देखिए, ये है अपने काम की, ये देखिए ये माइक्रोफोन, माइक्रोफोन लिखा हुआ है, और इस तरफ स्मार्टफोन लिखा हुआ है। ये है अपनी काम की, ये वाली चली जाएगी माइक्रोफोन की साइड वाली माइक्रोफोन में इस तरह से, और ये वाली चली जाएगी अपने फ़ोन में। इसको भी अपन रखते हैं साइड में। और लास्ट चीज़ जो अपन को बॉक्स में मिलती है, ये होता है स्टैंड माइक लगाने का। इसमें ये देखिए, मैं लगा के दिखाता हूँ, इसमें ये अपना माइक फिक्स हो जाएगा। और ये जो चीज़ है ना, ये हो जाएगी अपने ट्राईपॉड में फिक्स, ठीक है ना, ऐसे ही अपने ट्राईपॉड में लग जाए। यार इस माइक के मेरे को बस एक चीज़ सही नहीं लगती कि इसमें देखो ये गोल थ्रेड्स दे रखे हैं। अगर अपन को कैमरा या DSLR में करना है कनेक्ट, तो सही है, पर इसमें थ्रेड्स दे रखे हैं। और अगर अपन स्मार्टफोन में कनेक्ट करना है, तो अपने ऐसे मोबाइल होल्डर्स आते हैं। तो जी हाँ, मैंने इसके साथ माइक के साथ ये मोबाइल होल्डर भी मंगाया है, तो ये इस टाइप के मोबाइल होल्डर्स में आप ये कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको इसकी भी खोल के दिखा देता हूँ, ये भी। तो ये इस टाइप का कुछ मोबाइल होल्डर मंगाया, ये देख के आप कंफ्यूज मत होना, ये मैंने जुगाड़ लगाया है ये माइक। तो ये मैंने जुगाड़ लगाया है ये माइक लगाने, देखिए ऐसा कैमरा होल्डर आता है, इसमें अपना फोन बड़ी आसानी से ऐसे लग जाता है, ठीक है। तो ये अपना स्मार्टफोन लग गया इसमें, और इस टाइप के अपन मोबाइल होल्डर्स में ढंग से माइक नहीं लगा पाते। तो ये मैंने हटा के, ये मैंने माइक मंगाया, माइक के साथ ये भी मैंने मंगाया।
तो इसलिए देखो इसमें भी थ्रेड्स आते हैं और इस होल्डर में भी एक यहाँ थ्रेड है और एक यहाँ थ्रेड है जो कि ट्राइपॉड में लगेगा। तो इसको अपन ऐसे चिपका तो सकते नहीं है, चिपकाने अपन दोनों तरफ कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने ये जुगाड़ लगा है इसमें। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। इस टाइप की जितनी भी नट टाइप करने की आती थी ना, मैंने ये सारी निकाल के रख ली थी। तो वैसे ही मेरा एक कुछ ट्राइपॉड का बचा हुआ था, तो मैंने वो काट के इस ट्राइपॉड के ऊपर चिपका लिया, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने फेविक्विक से यहाँ पे चिपका लिया है। तो ये यहाँ पे लग जाता है और फिर अपना माइक इस पे ऐसे घुमा लो तो ये माइक अपना इस पे माउंट हो गया, ठीक है, ये देख सकते हो आप। और यहाँ पे अपना लग जाएगा फोन, तो ये देख सकते हैं ये अपना बेस्ट सेटअप हो गया। ये आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, अगर आपको फ़ोन में लगाना है तो आपको ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। तो इस पे ये अपना माइक माउंट हो गया, अब इस पे अपन लगा देंगे विंडशील्ड। ये लगी अपनी विंडशील्ड, ये देखिए ये अपना हो चुका है पूरा मोबाइल सेटअप। तो यार बस इसके बॉक्स में तो बस यही चीज़ें होती है, ये अपना पूरा सेटअप हो गया है। तो अब मैं इसकी वॉइस क्वालिटी आपको चेक करा, तो विदाउट माइक और विद माइक इसकी क्वालिटी कैसी आती है। ये देख सकते हो आप, ये अपना पूरा मेरा व्लॉगिंग सेटअप। मैं यूजुअली अपना बैक कैमरा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं अपना फ्रंट कैमरा ये सेल्फी कैमरा ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ऐसे पकड़ के अपन व्लॉगिंग कर सकते हैं, माइक की आवाज़ सीधी अपने जो मुंह से निकलेगी वही सीधी ये कैच करेगा, आसपास की आवाज़ अपना माइक कैच नहीं करेगा, जैसा कि आप देख सकते हो ये अपना माइक। इसी से व्लॉगिंग करता हूँ, बस ऊपर माइक नहीं था। अब मैंने माइक परचेज कर लिया है, मैंने अपग्रेड कर लिया है अपना माइक। बहुत कमेंट्स आते थे कि आपकी आवाज़ सही नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो मैंने फाइनली माइक परचेज कर लिया है। सो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो सुन रहे हो मेरे आईफोन के इंटरनल माइक की। तो मेरा आईफोन है उसका इंटरनल माइक भी थोड़ा सही है, तो ये आवाज़ आ रही मेरे फ़ोन के इंटरनल माइक से। तो अब जो आप आवाज़ सुनने वाले हो वो सुनने वाले हो आप बोया के BY MM1 माइक की। तो ये अब जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये आप सुन रहे हो मेरे बोया के BY MM1 माइक की। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा पहले वाली ऑडियो क्वालिटी में और इस वाली ऑडियो क्वालिटी में कि कितना फ़र्क है। तो अभी ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा क्योंकि मैं अभी मेरे रूम में बैठा हूँ, ज़्यादा यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस नहीं है। मैं आपको सारी सिचुएशंस में देख करके दिखाऊंगा कि आउटडोर कैसा रखता है, छत पे चल के दिखाऊंगा। और अभी डिस्टेंस भी मेरा ज़्यादा नहीं है फ़ोन का, डिस्टेंस भी लेके दिखाऊंगा। तो चलते हैं यार आप दूसरी सिचुएशंस में शूट करते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ मेरी बैल्कनी में और मैंने थोड़ा डिस्टेंस भी ले लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी जो अब आवाज़ आ रही है वो आपको आ रही है मेरे फ़ोन के इंटरनल माइक से, और अब जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है आपको बोया के माइक से। तो इसमें भी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि पहले ऑलरेडी क्वालिटी कैसी थी और अब क्वालिटी कैसी है। ये डिस्टेंस भी ले रखी है मैंने थोड़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी मेरी बालकनी में शूट किया, अब चलते हैं अपन रोड पे, मेरी छत पे चलूंगा, मेरा घर पूरा रोड साइड ही है, मेरी छत पे चल के दिखाऊंगा आपको कि कैसी क्वालिटी में चेंज आता है। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ मेरी छत पे यार, और फिलहाल बारिश पड़ रही है यार। तो यार फिलहाल मैं आ चुका हूँ मेरी छत पे और यार गजब सीन हो रहे हैं यार, ऊपर धूप निकली हुई है और यहाँ पे पड़ रही है बारिश, देख सकते हो आप, ये सीज़न गजब लगते हैं यार। ऊपर धूप निकल रही है और यहाँ पे देखो बारिश पड़ रही है। तो अभी तो मैं टीन शेड के नीचे हूँ, तो अभी बाहर जाके मैं वहाँ पे दिखाऊँगा आपको कि वो देखो मेरा घर बिल्कुल रोड साइड में, चलो दिखाई देता हूँ थोड़ा सा चल के। ये देखो फुल रोड है, यहाँ पे हाईवे ये रोड तो क्या है, यहाँ पे फुल गाड़ियाँ आती रहती, बहुत शोर आती है। देखो अभी यहाँ पे मैं मेरी कैमरा की क्वालिटी आपको दिखाऊंगा कि कैसे रहती है ऑडियो की क्वालिटी। तो यार मैं भी आ चुका हूँ मेरे टेरेस पे और मैंने अपना डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ा लिया है ताकि क्वालिटी और ठीक हो जाए। अभी जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है मेरे इंटरनल माइक से, और अब जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है आपको बोया के माइक से। तो इसमें आपको खास क्वालिटी देखने को मिल रही होगी कि पहले आवाज़ कैसी आ रही थी तो अब आवाज़ कैसी आ रही है। तो अभी मैं रोड पे चल के दिखाता हूँ बाहर कैसी आवाज़ आती है। सो भाई अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो मेरे इंटरनल माइक से आ रही है, और मेरे कैमरा के ठीक पीछे बिल्कुल मेन रोड है, तो बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी मेरे को पता है। तो अब अपन बोया का माइक लगा के देखते हैं कि बैकग्राउंड नॉइस में क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये आ रही है अपने बोया के माइक से, तो बैकग्राउंड नॉइस में बहुत सही फ़र्क पड़ा हुआ मेरे को पता है। तो ये देख सकते हो आप, ये है मेरे इंटरनल माइक और बोया के माइक का फ़र्क मैंने हर सिचुएशन में आपको दिखा दिया। तो बस यार यही था आज की इस वीडियो में। तो यार अगर आप भी माइक की तलाश कर रहे हो तो यार कॉलर माइक जो आते हैं ना, वो कॉलर माइक में आपको बताओ इंडोर शूट के लिए सही रहते हैं, और अगर आप
व्लॉगिंग करना चाहते हो, व्लॉगिंग के लिए आपका ये माइक आपका बेस्ट रहेगा, बोया का BYMM1 माइक, क्योंकि कॉलर माइक की वायर जो होती बहुत लंबी आती थी, इसको शॉटगन माइक बोलते हैं, तो ये ही व्लॉगिंग के लिए सही रहते हैं। तो अगर आप इसको अमेजोन पे बाय करोगे तो आपको पड़ जाएगा 1850 का पड़ जाएगा ये आपको। अगर आप इसको दिल्ली के किसी मार्केट में या अगर आप इसको लोकल शॉप पे बाय करोगे तो आपको 1500 या 1550 तक का मिल जाएगा। अमेजोन पे थोड़ा महंगा ही मिलता है, मैंने इसको अमेजोन से मंगाया, मेरे को 1850 का ये पूरा पड़ गया था, और इसके साथ मैंने वो माउंट मंगाया था, तो मेरे को टोटल 2000 में मेरा पूरा माइक और वो कैमरा माउंट आ गया था। तो वो कैमरा माउंट इसके लिए ज़रूरी है इस माइक के लिए, तो अगर आप ये माइक मंगाते हो तो ये कैमरा माउंट आप ज़रूर मंगाना। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आप तलाश करके बेस्ट ब्लॉगिंग माइक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को जाके लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का बटन आता है उसको जाके दबा दो, फटाफट से दबा दो यार, उसके बाजू में बेल आइकन भी होता है उसको भी यूं करके दबा देना, ठीक है, ताकि मेरे वीडियोज़ की मैसेज सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलो।